तो ये है S1 Pro का ये लेटेस्ट मॉडल। कलर जो है मुझे सबसे ज़्यादा यही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को यही कलर दिखाया जाए। फिलहाल मैं एक छोटा सा एक लिटिल सा वॉक अराउंड ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आप लोगों को एक एक पॉइंट यहाँ पे दिखा सकूँ, ताकि अब आपको यहाँ पे एक भी नट बोल्ट कैसे कहाँ क्यों लगा है कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी बॉडी जो है इसकी वैसे तो फाइबर में है, इसीलिए इसमें क्लिप सिस्टम है। मतलब कहीं से भी निकाला, जैसे जो कि मैकेनिज्म होता है इन लोगों का, तो यहाँ से जैसे निकाला तो इसको ऐसा करके क्लिप कर देंगे तो वो सेट हो जाएगा। तो आपको एक भी नट बोल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके फ्रेम के अंदर, मतलब यहाँ पे पूरी बॉडी में कहीं पे भी दिखेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है, अट्रैक्टिव लगता है इससे स्कूटर आपका, एंड काफ़ी मजबूती जो है वो तो देखने से ही पता चल रही है। फिलहाल कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो ये कुछ इसका करते हैं। सबसे पहले टायर साइज़ देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों 110/70 का यहाँ पे टायर रखा गया है, जो भी 12 इंचेस के जो अलॉय व्हील है इसमें, तो वो यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मार्क लगा हुआ है 110/70/12 का। इसके बाद यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है दोस्तों, ये एक बड़ा चेंज है यहाँ पे जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन पहले आप लोगों को पता होगा यहाँ पे एक फ्रंट फोक लगा हुआ था, वो भी सिंगल सस्पेंशन का, तो वो क्या है कंप्लेंट भी काफ़ी आ रही थी, तो वो एक पॉइंट था। तो उसी कंप्लेंट को जो है यहाँ पे कंपनी ने अपग्रेड कर दिया है और नया सस्पेंशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ये देखिए। एंड इसके बाद डिस्क ब्रेक जो कि पहले भी आ ही रहे थे, तो दोस्तों यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ दोनों साइड पे तो स्पीकर्स हैं। अच्छा, स्पीकर्स की आवाज़ भी काफ़ी अच्छी खासी है, क्योंकि मैंने अभी अभी शोरूम में इसको चलाया था, तो भाई ने गाना चला दिया था, मतलब गाना चल गया था उनसे गलती से। तो ये जो है यहाँ पे दोनों साइड पे स्पीकर्स हैं और काफ़ी अच्छी आवाज़ है दोस्तों, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये है कि कमी कुछ नहीं है, कमी कोई नहीं छोड़ी है। अच्छा, छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे और भी दी हुई है, जैसे एक चीज़ और रह गई है, तो यहाँ पे जो ट्रिप मीटर है ना दोस्तों, ये लास्ट ट्रिप है, मतलब अभी तक जैसे मैंने गाड़ी को ऑन किया है, अब मैं जितनी चलाऊंगा ना तो उसके हिसाब से ही ट्रिप बताएगा, और जैसे ही मैं गाड़ी लॉक कर दूंगा वैसे ही ये जीरो हो जाएगा। तो ये एक फीचर है कि लास्ट मैं कितने किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया हूँ। तो उसके बाद में ऑल टाइम अभी तक ये गाड़ी 30 किलोमीटर चल चुकी है, तो ये हो गया आपका ओडोमीटर। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर यहाँ पे गूगल नेविगेशन, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यहाँ से पेयर डिवाइस, तो आपको ब्लूटूथ से पेयर करने में दिक्कत नहीं होगी। और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, जैसे ये हो गया हाई बीम लो बीम का, तो इसको फिलहाल मैं ठीक है, इसको मैंने चेंज करके देखा है अभी। यहाँ पे आ जाती है साउंड सेटिंग एंड काफ़ी चीज़ें हैं, ऑल सेटिंग, ब्लूटूथ सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, तो ये सब रूम है। अब इसके बाद मैं इसका जो बूट है वो आपको खोल के दिखाता हूँ। बूट में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें देखने के लिए मिल रही है। इनफैक्ट 34 लीटर्स का बूट, जो कि बिल्कुल ऐसा है कि ये देखो सिंपल सा पॉइंट है, इसको बस यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है और ये आवाज़ आ गई है, अब हमें परमिशन मिल गई है और हम खोल रहे हैं इसको। तो यहाँ पे वैसे काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है दोस्तों, मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो ये कुछ इसका चार्जर है, एक बार चार्जर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये कुछ इसका चार्जर है ओला का, ओला की ब्रांडिंग है। रीसेट और टेस्ट करने के लिए भी यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं। और नॉर्मल सॉकेट चार्जर है, आप देख सकते हो ये नॉर्मल सॉकेट है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये जो आवाज़ आ रही है ना, आप देख सकते हैं, ये मेरे को और जगह पे जैसे मैंने देखा इसको अच्छे से, जब मैंने एक्सप्लोर किया गाड़ी को, तो ये देखो बिल्ड क्वालिटी मजबूत है। और ये जो आवाज़ आपको आ रही है ना, ये एक्चुअली इसीलिए आ रही है, ऐसा नहीं है कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बिल्कुल ऐसी थर्ड क्लास या लो क्लास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअली अंदर इसके जो पैनल्स है ना, तो अंदर जो बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती चीज़ें भरी गई हो और फिर इसके अंदर वजन लाया गया हो, ऐसा कोई सीन नहीं है।